हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको बताया, दुनिया में एक ऐसे भी भाई साहब है जिन्होंने एक क्यूट से बेबी को जन्म दिया। यस, बहन जी नहीं, भाई साहब। हाँ, आदमी लोग भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपको नहीं पता था क्या? वेल, अब जरा मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे पहला ईमेल किसने किया था? नहीं पता ना? Well then, आज की इस वीडियो में उसकी उम्र सुन के आपको एक झटका लगने वाला है। और अब एक लास्ट ट्रेलर, एक बंदे ने अपने माँ बाप पर ही केस ठोक डाला। और क्या बोलकर पता है? ये बोलकर कि इन्होंने मुझे मेरी मर्जी के बिना पैदा कर दिया। How dare they? Well, क्या लगता है जज ने इसका वर्डिक्ट क्या सुनाया होगा? ये सभी जानने के लिए बने रहो इस वीडियो के साथ एकदम अंत तक। एंड लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेज़ फैक्ट की बातें। नंबर वन, पेरेंट्स पर किया केस। मेरे माँ बाप ने मुझे बिना पूछे, बिना मेरे से कंसल्ट किए मुझे क्यों पैदा किया। इस स्टेटमेंट को लेके मुंबई के रहने वाले राफेल सेम्यूल अपने माँ बाप पर ही केस करने चले थे। और यहाँ पर उनका कहना यह था कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को जरा सा भी ओ नहीं करता, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में बिना उनकी मर्जी के लाया गया है। और जब पेरेंट्स बिना पूछे बच्चों को पैदा कर रहे हैं, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस बच्चों को उन्होंने पैदा किया है उसके मेंटेनेंस का वो लोग पूरा ख्याल रखे, वरना वो लोग बच्चे पैदा ही ना करे। और अगर कोई भी पेरेंट इसीलिए बच्चा पैदा कर रहा है कि वो आगे चल के उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो ये सदासर पेरेंट्स की गलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चे को पूछा थोड़ी ना कि भाई पैदा होने के बाद तुम मेरे सहारे बनोगे कि नहीं। अगर बनोगे तो ही आना, वरना मत आना। और अगर कोई बच्चा जेन्युइनली अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है तो ही उसे माँ बाप को पैदा करना चाहिए। आई नो, भूल भुलैया है। वेल, राफेल का बस सिर्फ यही मानना था कि अगर उसे फोर्स या जोर जबरदस्ती से ऐसा कुछ करवाया जा रहा है सहारा बनने के लिए, तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए उन्हें छोड़ देने के लिए। वेल, अब ये केस कितना आगे गया, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, इस पे अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। और आप भी इस पर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको इसका खुलासा पता चलता है तो हमारे साथ नीचे कमेंट्स में बिल्कुल शेयर करना। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या राफेल सेम्यूल सही है या गलत। वेल, यहाँ पर दो बात आती है, एक है लॉजिक और दूसरी है मोरालिटी। मोरालिटी के लिए कभी कभार हमें लॉजिक को त्याग देना पड़ता है। और तुम किस थॉट मॉडल को अप्लाई करना चाहोगे, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकना। नंबर टू, ऊबर वाला हेलीकॉप्टर। खुशखबर। अब उबर कैब और टैक्सी की नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से भी राइड करवाएंगे। क्या आपको भी करनी है इनकी सवारी? अगर हाँ तो न्यूयॉर्क और दुबई कंट्रीज का टिकट फटाफट करा लो, क्योंकि ये मजेदार सुविधा फिलहाल सिर्फ वहीं पे चल रही है। और ये उबर वाला हेलीकॉप्टर 2019 से चलता आ रहा है। और आपको आसमान की सिर्फ 20 से 30 मिनट की सवारी कराने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 200 से 225 डॉलर्स पर पर्सन। और अगर रुपयों में बोला जाए, मगर हाँ, आपको इस हेलीकॉप्टर वाली सुविधा का लुफ्त उठाना है तो आपको सिर्फ सुबह 9 से शाम के 6 तक की एंट्री मिलेगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर का शटर डाउन हो जाएगा, जैसे लॉकडाउन में हर दुकानों का हो रहा है। और एक और बात, आपको इस एंट्री के लिए 5 दिन पहले ही उबर हेलीकॉप्टर एडवांस में बुक करना होगा। लाइन बहुत लगती है भाई। नंबर 3, अमेज़न की दुकान। अब फ्रेंड्स, क्या आपको बताया, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने एक नहीं 50 मीटिंग्स रखी थी, जिसमें हर किसी से उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था। और वो क्वेश्चन क्या था बताया? व्हाट इज द इंटरनेट? पर क्यों? तो सुनो, दरअसल 1994 में जेफ बेजोस ने डीई शॉ कंपनी की जॉब जब छोड़ी थी और तय किया था कि वो एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलेंगे, और इसे स्टार्ट करने के लिए जेफ बेजोस को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो उन्होंने 50 मीटिंग्स रखी जिसमें उनके फ्रेंड्स, फैमिली और कई सारे इन्वेस्टर्स शामिल हुए। लेकिन जब जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने की बात की तो हर कोई इस बात से असहमत था। और ऐसे में जेफ बेजोस ने सबसे पहले हर किसी को ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द इंटरनेट, और हर किसी का आंसर अनसैटिस्फाइंग निकला, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का यूज लोग ना के बराबर ही करते थे और ऑनलाइन बिजनेस तो शायद ही कोई करता होगा। और ऐसे में पहले तो बेजोस ने सबको इसका मतलब बताया, लोगों को इंटरनेट पर बिजनेस ग्रोथ की सही वैल्यू समझाई और कहा कि इसमें 70% लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। पर ऐसे में सबसे पहले उनके पेरेंट्स ने दिए $300,000 जो उनके अमेज़न के बिजनेस स्टार्ट करने का कैपिटल था, और फिर बाकी के इन्वेस्टर्स में से 22 लोग और आए और सब ने मिलकर $1 million तक अमेज़न में इन्वेस्ट किया। और आज अमेज़न कौन से मुकाम पर खड़ा है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। तो ये थी कहानी अपने दुकान अमेज़न की। श्री गणेश ऑफ ईमेल। अब फ्रेंड्स, क्या आपको बताया, दुनिया का सबसे पहला ईमेल किसी और ने नहीं बल्कि 14 साल के एक इंडियन लड़के ने इन्वेंट किया था। बिल्कुल, और इस इंडियन लड़के का नाम है शिवा अयादुराय, जो न्यू जर्सी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था। और ये बात है 1980s के दौर की, जब शिवा के यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के एक प्रोफेसर ने शिवा को पेपर मेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलकर दिखाने का चैलेंज किया। और अब शिवा ने अपने प्रोफेसर का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वेंट किया जिसका नाम शिवा ने ईमेल रखा।
और शिवा का बनाया हुआ ईमेल प्रोग्राम इतना सिंपल था कि इसे एक ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी से लेकर सीईओ तक कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। और इसे फिर आगे चलकर 1982 में शिवा ने कॉपीराइट करवा लिया। फरवरी 2012 में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि शिवा के वजह से दुनिया को एक वैल्यूएबल कोड और डॉक्यूमेंटिंग इन्वेंशन ईमेल मिला है। नंबर 5, बिल्ली का एक्सीडेंट। कभी देखी है ऐसी जासूस म्याऊ म्याऊ बिल्ली? नहीं ना, तो गौर से देखो इस बिल्ली महारानी को। ये एक जासूस बिल्ली है, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, बल्कि ये है एक एकॉस्टिक किटी, जिसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सन 1960 में क्रेमलिन और सोवियत एम्बेसीज में जासूसी करने के लिए यूज किया था। और इस बिल्ली महारानी के जासूसी वाले ट्रेनिंग का खर्चा पता है कितना है? वेल, टोटल $20 million यानी 148 crore रुपीज खर्च हुए थे, क्योंकि इस कैट के कानों में माइक्रोफोन, दिमाग में छोटा रेडियो ट्रांसमीटर और बालों में इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायर्स हैं। ये एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन है और इससे बिल्ली आसानी से बातों को सुन सकती है और रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन अब कुछ भी कर लो, बिल्ली तो ठहरी बेचारी जानवर। तो जैसे ही बिल्ली को खतरनाक वाली भूख लगी, वो चल पड़ी रोड के उस पार म्याऊ म्याऊ का गाना गुनगुनाते खाने की तलाश में। लेकिन अफसोस, तभी एक टैक्सी आई और म्याऊ म्याऊ बिल्ली को ठोक के चली गई और बस बेचारे CIA वालों का $20 million पानी में चला गया, टायर के नीचे चला गया। नंबर 6, शूरवीर शौर्य एजाज हसन। अब फ्रेंड्स इमेजिन करो, अब हर दिन की तरह स्कूल जा रहे हो और स्कूल गेट पर अचानक से एक सुइसाइड बॉम्बर आपको दिख जाता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? वेल, ऐसे में जनरली एक ह्यूमन माइंड अपनी जान बचाने के लिए भागने लगेगा। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के 15 साल के उस छोटे शहीद शौर्य एजाज हसन की बात करने वाला हूँ, जिसने ये खतरा उठाया। जहाँ उसे ये पता था कि उसकी जान भी जा सकती है, पर फिर भी उसने सुइसाइड बॉम्बर को कन्फ्रंट किया और 100, 200, 500 नहीं बल्कि स्कूल में मौजूद एक साथ 2000 मासूम बच्चों की जान बचाई। और ये इंसिडेंट 6 जनवरी 2014 हंगू के इब्राहिमजाई के एक स्कूल के बाहर हुआ था, जब एजाज ने सुइसाइड बॉम्बर को देखकर तुरंत उसे दबोचने की कोशिश की, जहां सुइसाइड बॉम्बर ने तुरंत अपना बटन दबा डाला और इससे उन दोनों की उसी वक्त वहीं पर मौत हो गई। मतलब अगर एजाज ये जोखिम भरा कदम नहीं उठाता तो क्या पता, शायद हजारों बच्चों की जान जा सकती थी। और इसीलिए एजाज की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उसे पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द सितारे जुर्रत यानी द स्टार ऑफ ब्रेवरी से नवाजा और स्कूल को भी एजाज का नाम दे दिया। नंबर 7, द फास्टेस्ट मैन। टू ऑल माई ट्रैवल शौकीन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महाशय से मिलाऊंगा जो पूरी दुनिया के हर देश, हर स्टेट और हर गांव विजिट करके आ चुके हैं, वो भी सिर्फ 6.5 years में। मिलिए बेनी प्रसाद से, जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन टू ट्रैवल द वर्ल्ड माने जाते हैं। ये करने के लिए उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, जिसमें उन्होंने 195 कंट्रीज को विजिट किया है। बेनी 1945 में बॉर्न हुए थे और इन्हें बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था, तो बस फिर बड़े होकर बन गए ये इंडिया के गॉस्पल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटारिस्ट। लेकिन इनका संगीत के प्रति प्रेम सिर्फ यहीं तक थोड़ी ना था, इन्होंने संगीत की दीवानगी में दुनिया का सबसे पहला बैंगो गिटार बेंटोर ही डिजाइन कर डाला। और इसी दीवानेपन के खातिर ये दुनिया भर की सैर करने निकल पड़े, जिसमें अलग अलग देश विदेश जाकर परफॉर्म करते थे। इनफैक्ट इन्होंने तो कई देश के प्रेसिडेंट्स और पार्लियामेंट्स के सामने भी परफॉर्म किया है, जैसे कि क्राउड्स ऑफ 2007 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, 2006 फीफा वर्ल्ड कप और द 2004 ओलंपिक गेम्स। ये महाशय 194 स्वतंत्र देश और 51 डिपेंडेंट देश ट्रैवल कर चुके हैं, जिसमें एंटार्क्टिका भी आता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, उन्होंने इतना बड़ा सफर सिर्फ 6.5 years और 22 days में ही पूरा किया है। मतलब ये महाशय 1 May 2004 को घर से निकले तो वो डायरेक्टली 22 नवंबर 2010 को वापस आ गए पूरी दुनिया घूमकर। नंबर 8, इतना बड़ा मेंढक। अब फ्रेंड्स, आप सभी ने छोटू नन्हू मुन्नू मेंढक तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने इतना बड़ा मेंढक देखा है? नहीं देखा है ना? वेल, तो ये है दी गोलियाथ फ्रॉग, जो वेस्टर्न अफ्रीका के कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में पाया जाता है। इसका साइज होता है 12.5 inches यानी 1 foot लंबा और इसका वजन होता है 7.2 pounds यानी कि 3.3 kilograms। तो कुल मिलाकर इसकी साइज एक नॉर्मल बिल्ली के बराबर होती है और ये मेंढक है बोलो मत। पर इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि ये अपना घर खुद बनाता है, यानी छोटे छोटे पॉन्स में, वो भी अपने वजन से सिर्फ 1 kilo कम के पत्थर इकट्ठा कर करके, एज यू कैन सी ओवर हियर। और ये सब वो अपने और अपने बच्चों के लिए करता है। हाउ स्वीट ना। नंबर 9, हिम्मत वाली माँ। कहते हैं एक माँ के अंदर बहुत ही ताकत और हिम्मत होती है, और ये 100% सच है, क्योंकि इसकी जीती जागती मिसाल है ब्राजील की फ्रैंकलिन डे सिल्वा ज़ैम्पोली पडिला, जिसने ब्रेन डेड होने के बावजूद ट्विंस को
को जन्म दिया जब उन्हें एक स्ट्रोक आया था, लेकिन उसी वक्त वो 9 वीक्स की प्रेग्नेंट भी थी। और ब्रेन डेड होने के बाद डॉक्टर्स ने ये पाया कि इस 21 साल की माँ के बच्चों का दिल अभी भी धड़क रहा था, और एक चमत्कार की तरह इस ब्रेन डेड माँ के सारे ऑर्गन्स अभी भी वैसे ही मानो जैसे अभी भी जिंदा है काम कर रहे थे। और बस फिर सारे डॉक्टर्स ने ठान लिया कि इन बच्चों को इस दुनिया में हम लाकर ही रहेंगे। डॉक्टर्स ने बच्चों को माँ के प्यार की कमी महसूस ना हो इसीलिए पूरे रूम को सजा दिया, और तो और उनसे बातें भी की, उनके लिए गाना गाया और उन्हें रोज लोरी तक सुनाई, बिल्कुल जैसे एक प्रेग्नेंट माँ अपने बच्चे के लिए करेगी, बस इसीलिए ताकि पेट के अंदर उनकी परवरिश अच्छे से हो। और बधाई हो, इनकी सारी मेहनत अब रंग लाई जब 123 डेज के बाद ट्विंस बच्चों का जन्म हो गया। पर जैसे ही बच्चों का जन्म हुआ इस माँ की सांसें टूट गई और वो इस दुनिया से चल बसी। बट बच्चों को जन्म देने के बाद गजब की शक्ति देती है प्रकृति औरतों को। नंबर 10, भैया जी पेट से है। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आपकी बेसब्री को मिटाने का और आपको वन एंड ओनली प्रेग्नेंट भैया से मिलाने का। ये थॉमस ट्रेस बेटी नाम का वही अमेरिकन भैया है जिन्होंने प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म दिया, और वो भी एक नहीं दो नहीं चार चार बेटियों को। असल में ये बात है दुनिया के द वेरी फर्स्ट प्रेग्नेंट मेल कहलाने वाले थॉमस की, जिसे 1997 में ये पता चला कि वो एक ट्रांसजेंडर है। लेकिन तब तक तो इनकी शादी हो गई थी यार, और इनकी बीवी को बच्चे पैदा करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, और ऐसे में थॉमस ने मार्च 2002 में अपना जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाया और आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन यानी स्पर्म डोनेशन से ये 2007 में बन गए दुनिया के सबसे पहले प्रेग्नेंट मैन। Well, ये कैसे हो पाया सरप्राइजिंग तो है, मगर इसके पीछे का साइंस क्या है? Well, फंडा बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जिस किसी के पास यूटेरस और ओवरीज होता है वो बच्चा पैदा कर सकता है, और ट्रांसजेंडर्स में मैन और वुमेन दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और इसीलिए ऐसा करना पॉसिबल हो जाता है। और अब तो सर्जरीज भी है जहाँ पर गे कपल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बिकम पेरेंट्स। एंड ऑल दिस इज ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस। बट देखने में बाहर से ये केस डेफिनेटली काफी पेचीदा लगता है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इतने सारे फैक्ट्स जान लिए है, अब बारी मेरी है आपसे एक सवाल पूछने की। एक रिडल पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आप दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे सीधा बोलो तो प्यास बुझाए, उल्टा करो तो दिन बन जाए? इसका जवाब शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल गेट सिंपली फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको और अपने नॉलेज को कंपाउंड करते रह सको। सी यू अगेन वेरी सून, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।